जल्दी जाए। आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक जो मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। ऐसे तो आप सभी स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के माध्यम से भी मॉलिक्यूल के शेप का नॉलेज ले चुके हैं। जैसे आप लोग को इतना पता हो चुका है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड दो बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो उसका शेप लीनियर होता है, थ्री बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ट्राइगोनल होता है, फोर बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो टेट्राहेड्रल होता है, फाइव बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, सिक्स बॉन्ड पेयर होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल होता है, और सेवन बॉन्ड पेयर्स होते हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है। तो एक बार फिर से इस यूनिवर्स में जितने तरह के कंपाउंड्स हैं उसके शेप का स्टडी हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से किया करते हैं, जिसका नेम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको दिया गया है गिलेस्पी और नाइहोम के द्वारा। इस टॉपिक का नेम वायलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्यों पड़ा, ये पहले हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट में। एक मॉलिक्यूल है H2O, इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बन कराया है ऑक्सीजन, जिसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। तो यहां किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लोन पेयर और एक होता है बॉन्ड पेयर। तो यहां पर पहले ये आपको क्लियर आना चाहिए कि ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और ये जो है बॉन्ड पेयर है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर 3 तरह का रिपल्सन होता है, और वो 3 टाइप्स का रिपल्सन कौन कौन होता है। पहला फर्स्ट जो है वो लोन पेयर का रिपल्सन है, यानी इसके बीच का रिपल्सन है, इसके बीच का रिपल्सन है जो लोन पेयर रिपल्सन कहलाता है। इसके बीच का जो रिपल्सन है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कहलाता है, और इसके बीच का जो रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन कहलाता है। तो यहां सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा पावरफुल जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर का होता है, क्योंकि ये लोन पेयर एक सिंगल एटम के न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होता है। जैसे आपसे हम पूछे किस इलेक्ट्रॉन का रिलेशन संबंध किससे है, ऑक्सीजन से, जबकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन से भी अट्रैक्ट है और ऑक्सीजन से भी। तो टाइटली बंधा होता है बॉन्ड पेयर्स और लूजली हेल्ड होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन ओरिजिनेट करता है बॉन्ड पेयर से। अब यहां समझना यह है कि किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उस पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्सन होता है यही ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन डिटरमाइन करता है मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को। तो यहां मेन कॉन्सेप्ट क्या है VSEPR थ्योरी का, कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, चाहे बॉन्ड पेयर चाहे लोन पेयर, ये एक दूसरे के बीच के रिपल्सन को कम करने के लिए जहां तक संभव हो सके एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं, अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होना चाहते हैं। और जिससे अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होने से क्या होगा कि इनके बीच होने वाला रिपल्सन खुद मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो एक दूसरे से,
और मिनिमम रिपल्शन उत्पन्न करे। तो ये है बीएसईपीआर थ्योरी का मेन थीम। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्टेटमेंट पर। जो मेन स्टेटमेंट है हम आपके सामने यहां पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके रखने जा रहे हैं, ध्यान दिया जाए। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम्स होते हैं उसके अराउंड जो बॉन्ड पेयर होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है Ab2, तो ये Ab2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड दो बॉन्ड पेयर्स हैं। तो दो बॉन्ड पेयर की जब संख्या होगी तो निश्चित है कि एक दूसरे के रिपल्शन को कम करने के लिए 180 डिग्री पर रेंज होगा, मॉलिक्यूल का शेप जो ज्योमेट्री है वो लीनियर हो जाएगा। जब 3 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे तो ये एक दूसरे को 120 डिग्री पर एडजस्ट करेगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल हो जाएगी। जब इसकी संख्या 2-3 न होकर 4 होगी, 4 होगी, तो ये एक दूसरे को 109 डिग्री 28 मिनट पर एडजस्ट करेगा और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जब 5 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप ले लेगा, 6 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल और 7 होंगे तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो हम क्या बताना चाहते हैं इस फर्स्ट स्टेटमेंट में कि जो सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड अगर दो बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी जो बॉन्ड पेयर की संख्या होती है वही ज्योमेट्री को डिटरमाइन करती है, यानी द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम व्हिच आर प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल व्हिच डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, वही ज्योमेट्री को डिटरमाइन करता है। अगर बॉन्ड पेयर की संख्या 2 है तो लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल, 4 है तो टेट्राहेड्रल। यह है फर्स्ट स्टेटमेंट का मेन कॉन्सेप्ट। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर अधिक जगह घेरता है, अधिक स्थान घेरता है, अधिक रिपल्शन उत्पन्न करता है बॉन्ड पेयर से। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझें। अभी तुरंत हमने बताया भी कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। लोन पेयर केवल एक एटम के न्यूक्लियस से बंधा होता है, एक एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, जबकि बॉन्ड पेयर दोनों एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोन पेयर इज लूजली हेल्ड, लोन पेयर इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई, केवल एक न्यूक्लियस के प्रभाव में होता है, इसलिए यह लूजली हेल्ड होता है और यही कारण है कि यह ज्यादा रिपल्शन उत्पन्न करता है बॉन्ड पेयर की अपेक्षा। स्टेटमेंट नंबर थर्ड ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट नंबर थर्ड यह है कि मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड ओरिजिनेट्स मोर रिपल्शन देन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बात हो रहा है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स का होता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रिपल्शन डबल बॉन्ड उत्पन्न करता है, डबल बॉन्ड से ज्यादा रिपल्शन ट्रिपल बॉन्ड। कारण है कि सिंगल बॉन्ड में तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा, ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा रिपल्शन फिल करेगा, ज्यादा रिपल्शन उत्पन्न करेगा। इस बात को आप यहां एक एग्जांपल से समझिए। एक मॉलिक्यूल है BCl3 और आपसे हमने एक क्वेश्चन कर दिया कि क्या BCl3 में सारे बॉन्ड एंगल्स सेम होंगे, तो आपका जवाब होगा हाँ। क्यों? क्योंकि तीनों सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन तो यहां भी sp2 है, लेकिन यहां सभी बॉन्ड एंगल सेम नहीं होंगे। कारण है कि यहां 2 सिंगल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सभी सिंगल बॉन्ड है तो सब इक्वल रिपल्शन दिखाएंगे। लेकिन यहां इसके बीच जो रिपल्शन होगा वो इससे कहीं अधिक होगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा होगा यहां सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। तो यहां आपको यही समझना था कि यहां जो बॉन्ड एंगल होगा वो अधिक होगा, यहां जो बॉन्ड एंगल होगा कम होगा, और यहां जो बॉन्डिंग होगा वो सभी इक्वल होंगे, ये समझाना था। अब स्टेटमेंट नंबर 4 पर जाते हैं। अभी आपने 3 स्टेटमेंट समझा। स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है
कि किसी मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर एक मॉलिक्यूल है CH4, जिसका स्ट्रक्चर हम यहां पर आपके समझने के लिए बना दिए। कार्बन के आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और चारों इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड के फॉर्मेशन में। यहां पर NH3 में 5N पर इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग ले रहा है और 2 इसी तरह बच जा रहा है। यहां पर हम बात करते हैं H2O का, तो O के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6, और भाग ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन केवल शेयरिंग में और 2 जोड़ा यानी 2 पेयर इलेक्ट्रॉन इसी तरह रह गया। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि यहां पर इसके सेंट्रल एटम पर एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर है और इसके सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर है। आपको पता होना चाहिए तीनों मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आपके पास हम ट्रिक दे चुके हैं, आप समझ सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिग्मा 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 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 ऑर्बिटल का, 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? तो यहां भी sp3, यहां भी sp3, यहां भी sp3। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि CH4 और NH3 दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, फिर भी NH3 का बॉन्ड एंगल कम और CH4 का अधिक बॉन्ड एंगल होता है, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है। लोन पेयर जिसके सेंट्रल एटम पर रहेगा वो बॉन्ड पेयर पर दबाव डालेगा और बॉन्ड पेयर पर दबाव डालेगा तो नीचे की ओर दबेगा, एंगल कम हो जाएगा। तो यहां एक चीज समझना है कि जहां लोन पेयर जितनी ज्यादा संख्या में प्रेजेंट होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होगा, यानी ग्रेटर द नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेस इज द बॉन्ड एंगल। यहां पर बॉन्ड एंगल मीथेन का क्यों सबसे अधिक है? क्योंकि इसमें लोन पेयर 0 है, इसका बॉन्ड एंगल उससे अधिक, उससे कम है क्योंकि एक लोन पेयर आ गया और यहां पर ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आ गया, तो यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, सबसे अधिक बॉन्ड एंगल, एक लोन पेयर आ गया 2 डिग्री कम, फिर यहां 4 डिग्री समथिंग कम हो गया, यानी कहने का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से बॉन्ड एंगल के मान में क्या होती है? कमी होती है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन इराइज किया जाए व्हाई द बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 इज ग्रेटर देन NH3, CH4 का बॉन्ड एंगल NH3 से अधिक क्यों होता है? तो जवाब देंगे, इन CH4 सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड इन NH3 द सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन। CH4 कंटेन नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बट इन NH3 नाइट्रोजन कंटेन्स 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑरिजिनेट्स रिपल्सन ऑन द बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन उत्पन्न करता है, देयरफॉर द बॉन्ड एंगल ऑफ NH3 इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एंगल ऑफ CH4, CH4 से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है NH3 का। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट का। फिफ्थ स्टेटमेंट कहता है कि किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम यानी द इलेक्ट्रोनिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, व्हेन इलेक्ट्रोनिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेज देन द रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर्स इंक्रीजेज एंड द बॉन्ड एंगल आल्सो इंक्रीजेज। जरा ध्यान देंगे, इस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम कौन है? इस मॉलिक्यूल का और इस मॉलिक्यूल का। कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके बॉन्ड पेयर्स में रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। इस बात को समझने के लिए पहले आप सभी स्टूडेंट को यह बताना होगा कि ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो यहां ऑक्सीजन सबसे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं हमसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया गया था कि ग्रुप के नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिविटी घटता है, तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव उससे कम। तो यहां देखिए, ये है H2O का बॉन्ड एंगल, ये H2O का बॉन्ड एंगल हमने इससे रिप्रेजेंट किया और यहां H2S। अब जरा सा ध्यान आप देंगे क्या हम समझाना चाहते हैं आप लोग को। देखिए, ये है H2O को रिप्रेजेंट करने वाला, ये H2O का शेप,
जहां हम पकड़े हैं यहां ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हाइड्रोजन है। तो अभी रिपल्सन इस दोनों के बीच जितना हो रहा है, ये दोनों बॉन्ड पेयर्स, ये बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन से बने हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है इससे, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है किससे, ऑक्सीजन से। और कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन ज्यादा होगा, वो दूर भागेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और यहां H2S में ऐसा बात नहीं है कि रिपल्सन नहीं होगा, रिपल्सन तो होगा लेकिन कम होगा, कारण है कि उसका सेंट्रल एटम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है ऑक्सीजन की अपेक्षा, तो यहां रिपल्सन होगा लेकिन कम होगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम और इसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा। तो जैसे हमने H2O और H2S में समझाया वैसे ही H2S और H2SE में समझ सकते हैं, वैसे ही H2SE और H2T में समझ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव सल्फर, सल्फर से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव और उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव टेलुरियम। तो यहां पर सबसे अधिक बॉन्ड एंगल कहां देखा जाएगा, H2O में। आपको पता होना चाहिए कि सबके पास दो ही लोन पेयर है, सबके पास, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में सबके 6 इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल अधिक हो गया, इसका कम, कारण है कि इसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जिसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसके बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, जब रिपल्सन ज्यादा होगा तो निश्चित है कि दूर रहेगा, तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो यहां पर यही रीजन है इसका, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल एटम का अधिक है। लास्ट स्टेटमेंट ध्यान दिया जाए, लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी मॉलिक्यूल में सराउंडेड एटम, किसी मॉलिक्यूल में सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो यहां पर एक मॉलिक्यूल है H2O, ध्यान देंगे, और एक मॉलिक्यूल है OF2, इसके बीच बॉन्ड एंगल अधिक और इसके बीच बॉन्ड एंगल कम, ऐसा क्यों हुआ, तो होता क्या है, पहले सराउंडेड एटम सेंट्रल एटम समझते हैं आप लोग, इसका सेंट्रल एटम कौन है, सराउंडेड एटम कौन है, हाइड्रोजन, इसका सेंट्रल एटम और सराउंडेड एटम फ्लोरीन। तो कह रहा है कि सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर बढ़ेगी, आप लोगों को इतना पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कौन अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता फ्लोरीन के पास होती है, तो फ्लोरीन आ जाए तो कुछ सोचिए ही नहीं, सीधे बोलिए फ्लोरीन। तो यहां पर हम क्या बता रहे थे कि सराउंडेड एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से होता क्या है, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। इसका मेन कारण है कि जो बॉन्ड पेयर्स है और ये जो लॉन पेयर्स है इसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और रिपल्सन ज्यादा बढ़ने से दोनों ओर से ये रिपल्सन ज्यादा महसूस करता है और दोनों ओर से ये दब जाता है। फिर से, जब सराउंडेड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इसके जो बॉन्ड पेयर्स होंगे और इसका जो लॉन पेयर होगा उसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, तो ज्यादा रिपल्सन होने से ये ऊपर से इधर से भी दबा देगा और इधर से भी दबा देगा, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल H2O का अधिक हो जाएगा, किससे, OF2 से, जबकि लॉन पेयर दोनों पर दो दो है लेकिन एक का सेंट्रल एटम O है, दूसरे का भी O है, सराउंडेड एटम केवल चेंज हुआ है, और यहां सराउंडेड एटम जिसका अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, कारण है कि वो ज्यादा रिपल्सन करेगा उसके लॉन पेयर से, इसलिए बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो यहां क्या कॉन्सेप्ट है, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम लेस इज द बॉन्ड एंगल, जिसका सराउंडेड एटम लेस अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो ये था आपका आज का क्लास VACPR थ्योरी के लिए, कल हम लोग मॉलिक्यूल के शेप का डिटरमिनेशन इसके